क्वेश्चन नंबर वन, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में हुए रफाल लड़ाकू विमान सौदे की जांच की अपील की याचिका अस्वीकार कर दी? अदालत ने इस सौदे से संबंधित किसी भी पक्ष, जैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण और खरीद की प्रक्रिया की जांच की अपील स्वीकार नहीं की। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोहर लाल शर्मा बनाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्वेश्चन नंबर टू, उच्चतम न्यायालय ने किस न्यायिक निर्णय में अपील की, विशेष अनुमति लिए बिना ही कोई पीड़ित किसी आरोपी के लिए बरी होने के खिलाफ अपील कर सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्लिकार्जुन कोडावली बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर थ्री, किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि उपचारात्मक याचिका को पुनर्विचार याचिका के निरस्त हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याकूब रज्जाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य सचिव गृह विभाग और अन्य। क्वेश्चन नंबर फोर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए निर्देशानिदेश जारी किए और इस अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए अब सरकारी कर्मचारियों को पूर्व अनुमति के बिना ही इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर काशीनाथ बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर फाइव, हरियाणा पंचायत चुनावों में पंचायत सदस्यों प्रधानों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नियत करने संबंधित संशोधन अधिनियम व उसके प्रावधान विधिक और संवैधानिक है, यह किस वाद में है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजबाला और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नोबी नारायण को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्णय किया और उसके खिलाफ साजिश पुलिस की भूमिका की जांच का जिम्मा सौंपा गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस नोबी नारायण बनाम सी बी मैथ्यूज एंड अदर्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर अपने फैसले में सांसदों और विधायकों को वकील के रूप में प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने से मना कर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर एट, कठुआ में 8 साल के एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को पंजाब के पठानकोट सत्र न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया, यह किस मामले में था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अख्तर बनाम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर नाइन, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रियों के वेतन भत्ते और अतिरिक्त प्रावधान अधिनियम की धारा 4(3) में किए गए संशोधन की गैर कानूनी करार दिया और पूर्व मुख्यमंत्रियों को इसके तहत बंगला देने का प्रावधान को समाप्त कर दिया। कोर्ट ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला प्राप्त करने का हक नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र एवं नागरिक बनाम असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों की पीठ ने भीमा कोरेगांव मामले में एसआईटी गठित करने की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि गिरफ्तारी सरकारी की आलोचना की वजह से नहीं हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमिला थापर बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले में कहा कि विदेशी विधि फार्म भारत में अपना कार्यालय स्थापित नहीं कर सकते और न ही आते जाते हुए अपने मुवक्किलों को कानूनी सलाह दे सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बार काउंसिल ऑफ इंडियंस बनाम ए के बालाजी। क्वेश्चन नंबर 12, अगर किसी आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र मजिस्ट्रेट ने किसी तकनीकी कारण से वापस ले लिया है तो उस स्थिति में आरोपी को स्वतः जमानत का अधिकार प्राप्त है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम स्वरूप बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मुख्य जिला और सत्र अदालतों में MBA डिग्री धारी पेशेवर अदालत प्रबंधकों की नियुक्ति का निर्देश दिया है ताकि कोर्ट के प्रशासन को सक्षमता से चलाया जा सके। कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जाहिर की कि अदालतों में सुविधाओं के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑल इंडिया जज एसोसिएशन बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 14, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में अभियुक्तियों को मौत की सजा दी गई है उन मामलों में विशेष अनुमति याचिका को बिना कारण बताए खारिज नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहेब मारुति कामले बनाम महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 15, प्रावधान धारा 376 दोष सिद्ध की वैधता निर्णय सार जहां की घटना के बाद पीड़िता का डॉक्टर द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया, कोई भी मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया, परिवाद ने पहले भी अन्य अनेक मामलों में परिवाद किया और सभी परिवाद झूठे पाए गए, यह किस बात में है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा प्रसाद महतो बनाम बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 16, सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि यह दंडिक न्याय प्रबंधन के हित में है कि केवल सत्यनिष्ठ को धारण करने वाले सक्षम अधिवक्ताओं को ही नियुक्त किया जाए, अन्यथा न्याय के हनन की संभावना होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अजय कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 17, एसिड अटैक के अपराध के धारा 307 34 के बजाय धारा 326 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित करने के उच्च न्यायालय ने निर्णय को वैधता किस न्यायिक निर्णय में उल्लेखित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम विजय कुमार उर्फ पप्पू। क्वेश्चन नंबर 18, पांच व्यक्तियों की हत्या और लूट के अपराध में बाल साक्षी के साक्ष्य पर मृत्यु दंड की वैधता उच्चतम न्यायालय के किस न्यायिक निर्णय में उल्लेखित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर वैष्णव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। क्वेश्चन नंबर 19, सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि किसी हिस्ट्री सेटर जिसके विरुद्ध जघन्य अपराध का आरोप हो को सामान्यता केवल सामान्यता के आधार पर जमानत नहीं प्रदान की जानी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015। क्वेश्चन नंबर 20, किस न्यायिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि सीडी एक दस्तावेज है और औपचारिक सबूत की आवश्यकता नहीं है, संबंधित पक्ष यथास्थिति अभियोजन या प्रतिरक्षा पद के अधिवक्ता का उक्त दस्तावेज पर उसकी स्वीकृति इनकार का दृष्टांकन धारा 294 के प्रयोजन प्राप्त है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शमशेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2015।